तो गाइस वेलकम बैक, और आज मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसी ट्रिक्स दैट विल मेक एनीवन प्रो। अच्छा वैसे तुम अभी भी प्रो ही हो, बट यार मान लो ना। ठीक है। नहीं कुछ भी। और ये पॉकेट एडिशन की कुछ ऐसी ट्रिक्स है जो शायद आपको भी नहीं पता होगी। ट्रिक नंबर वन। तो यार आप मुझे बताओ, अगर आप किसी एनिमल का फार्म बनाना चाहते हो तो उसे कुछ इसी तरह फेंस के अंदर रखते हो, बट यार इसके अंदर आने जाने में हमें बहुत दिक्कत होती है और कभी कभी तो एनिमल्स भी यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बट इसके लिए आप ट्रैपडोर से ही फेंसेस बना सकते हो कुछ इस तरह, और फिर आपको बस ये ट्रैपडोर को ऊपर करना है, और फिर ऐसे करने से एनिमल्स के लिए एक पूरा एरिया तो बन जाएगा। बस एनिमल्स को लाते समय आपको ये ट्रैपडोर को नीचे करना है जिससे एनिमल्स अंदर आ पाए, और फिर एक ऐसा एरिया बन जाएगा जहाँ से आप अंदर भी जा सकते हो बाहर भी जा सकते हो आराम से एक जंप लगा के। बट ये शीप्स या फिर कोई भी एनिमल बाहर आ ही नहीं सकते। मतलब सच में यार मेरे को कमेंट्स में बताना ये ट्रिक आपको कैसी लगी। ट्रिक नंबर टू। तो यार कोई भी बंदा एक सिंपल TNT को कैसे जलाता होगा, एक सिंपल फ्लिंट एंड स्टील से ना, कुछ इस तरह। पर क्या आपको पता है कि आप एक सिंपल TNT को फायर एक्सपेक्ट की स्वॉर्ड के साथ भी जला सकते हो। पर यार ये ट्रिक भी 60% यूजर्स ऑफ पॉकेट एडिशन को भी पता है। बट क्या आपको पता है एक TNT को आप फायर एक्सपेक्ट की बुक के साथ भी लाइट अप कर सकते हो, कुछ इस तरह। और यार ये चीज़ तो मुझे भी बहुत बाद में आके पता चली है। तो यार इस ट्रिक के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है बॉस, और मुझे कमेंट्स में जाके ज़रूर बताना कि आपको ये ट्रिक पता थी कि नहीं। ट्रिक नंबर थ्री। तो अगर आप कोई माइनक्राफ्ट प्लेयर हो तो आपके साथ तो ये होता ही होगा कि आप कहीं दूर गए अपने घर से और अपने घर के कोऑर्डिनेट्स भूल गए, जिसकी वजह से आप घर से दूर होके एक माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड के अंदर खो चुके हो। तो फिकर नॉट यार, बस आपको अपने घर के सामने ही एक एनविल रखकर अपने घर के कोऑर्डिनेट्स एक पिकेक्स के अंदर नोट कर लेने हैं, अपनी परमानेंट पिकेक्स जो आप यूज़ करते हो। तो यार इससे होगा क्या कि आप अपने घर के कोऑर्डिनेट्स कभी भूलोगे ही नहीं, क्योंकि पिकेक्स तो हमेशा आपके साथ ही रहती है ना, तो कोऑर्डिनेट्स तो हमेशा आपके पास ही होंगे। ट्रिक नंबर फोर। तो यार ये ट्रिक कोई प्रो ट्रिक नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि जो गलती मैंने इतने दिनों तक की थी वो किसी और के ऊपर ना बीते। बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि माइनक्राफ्ट पी के अंदर हम स्प्रिंट कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इतने दिनों तक मैं माइनक्राफ्ट के अंदर मूव कैसे करता था। मतलब कि मैं भाई सिंगल टिक मूव वाले बटन पे दबाता था जिससे मैं मूव करता था, बट यार मेरे को स्प्रिंट करना आता ही नहीं था, और मुझे पता भी नहीं था कि माइनक्राफ्ट पी के अंदर हम स्प्रिंट भी कर सकते हैं। और स्प्रिंट करने के लिए हमें बस दो बार ही टैप करना होता है उस वाले मूवमेंट के बटन पर। और यार ये सिंपल सी चीज़ मुझे इतने दिनों पहले तक पता ही नहीं थी, मुझे बाद में जाके मेरे दोस्त ने बताया। यार मैं कितना नूब था। अबे साले। ट्रिक नंबर फाइव। तो यार अगर आप कभी भी माइनिंग के लिए आते हो तो आपको हमेशा ग्लास लेकर अपने साथ चलना ही चाहिए, क्योंकि नीचे केव्स के अंदर बहुत सारा लावा होता है और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लावा के नीचे भी बहुत सारे डायमंड्स छुपे हो, बस आपको दिख नहीं रहे हो लावा के वजह से। और ये ग्लास ट्रांसपेरेंट होने के कारण आपको दिखा देता है नीचे क्या क्या है। तो यार अभी के लिए तो फिलहाल मेरे पास इतनी ही ट्रिक्स थी, और मुझे कमेंट्स में बताना आपकी फेवरेट ट्रिक कौन सी थी। और मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे फायर एक्सपेक्ट वाली ट्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, और इनमें से कौन कौन सी ट्रिक्स आपको पता थी। और ये ट्रिक्स अपने माइनक्राफ्ट के दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और कोई अच्छी सी ट्रिक है तो मुझे कमेंट्स में जाके बताना। तो अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो पसंद तो आई गई होगी, अगर आई है तो डू लाइक द वीडियो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब, एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।